हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम आए हैं हेकोने पोवाई में। हेकोने पोवाई एक एंटरटेनमेंट सेंटर है जहाँ पे आप कई तरीके के एक्टिविटीज कर सकते हो। तो आज मैं आया हूँ कुछ एक्टिविटीज करने के लिए। मेरे साथ मेरा दोस्त है आकाश। सो हम लोग पहुंच चुके हैं हेकोने। आप जैसे पीछे देख सकते हो, हेकोने एक एक्चुअली एंटरटेनमेंट सेंटर है। बहुत सारे मेले जैसे राइड्स है इसमें। सो हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली गो कार्टिंग करने के लिए आए हैं। सो हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग ले रहे हैं एंट्री। यहाँ पे आपको बाहर बोर्ड दिखेगा, ऐसा एक्टिविटीज़ का बोर्ड दिखेगा, तो समझ आना यही हो जाएगा। तो यहाँ से हम अंदर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, खाने पीने को काफ़ी सारे चीज़ें हैं। उस साइड भी है खाने पीने के लिए। एंड हम जाएंगे अभी सीधा गेट के पास। सो आज हम एक्चुअली वीकडेज में आए हैं, तो यहाँ पे इतना गर्दी फिलहाल दिख नहीं रहा है। और हो चुका है दोपहर का 3 बजे। सी स्पेशली है कि गार्डन स्पेशली है कि गार्डन 2 बजे शुरू होता है, तो उससे पहले आके कोई मतलब भी नहीं है। ओके, ये रहा एंट्रेंस, गोइंग एंट्री। और यहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। सी, जो भी टिकट लेना है यही से लेना है आपको। क्या करना है, निकले अंदर डायरेक्ट। तो आप देख सकते हो पार्क है ये। एंड सी, हम यही से आए थे, हम जा रहे हैं अंदर की ओर। तो गाइस, हम लोग ने एंट्री ले लिया है। एंट्री करते हैं, आप लोग को इतना अच्छा व्यू दिखेगा यहाँ पे। मतलब बहुत सारे फन एक्टिविटीज करने के लिए है यहाँ पे। और दोपहर का टाइम पे आया है कि इतना खाली क्यों है, तो हम लोग एक्चुअली दोपहर के टाइम आए। पार्क 2 बजे से चालू हो जाता है, बट जैसे जैसे शाम होगी 5-6 के करीब यहाँ पर गर्दी होना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो अभी तो फिलहाल पूरा खाली है, लिटरली पूरा खाली देख सकते हो। अभी आपको हम आपको दिखाएंगे आके बाकी की चीज़ें। ओके, तो अंदर घुसते ही हमें यहाँ पे दिखा वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर अभी हमने एंट्री लिया था, तो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ था। कैसा प्राइस का क्या बता रहे थे वो लोग? प्राइस का डोर पे लगा है 150 पर पर्सन, बट हम लोग जब ट्राई करेंगे तो हम बताएंगे यहाँ पर। और उन्होंने बताया कि 11D एक है। सो बेसिकली सीट्स है, जैसे हमने 4D सिनेमास देखे होंगे, सीट्स प्रॉपर मूव होते हैं, पानी के फवारे हैं, तो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस उन्होंने बोला एक स्पेस जैसा कुछ है, तो आपको एक स्पेस सिमुलेशन मिलेगा अगेन मूविंग सीट्स में। तो ये जो भी है लिटरली वर्चुअली के रिलेटेड है, काइंड ऑफ सिमुलेशन एंड ऑल। तो अपार्ट फ्रॉम दैट शायद हम आपको दिखा ना पाए, बट अगर हम ट्राई करते तो आपको एक्सपीरियंस बताएंगे जरूर। तो वहाँ पे है ग्रेविटी जोन। तो यहाँ पे लोग जो यूजुअली आते हैं ग्रेविटी जोन पे ही जाते हैं। आई गेस मेरे हिसाब से यही रहेगा, वहाँ पे भी ट्रैम्पोलिन पार्क जैसे ही रहेगा। हाँ, आई थिंक सो, जंपिंग इज द पैक। या आई थिंक इट्स अ ट्रैम्पोलिन पार्क। सी, लेट्स गेट इनसाइड, क्या क्या है। परफेक्ट हो चुके अभी। तो हम लोग अराउंड आए हैं 3:30 के टाइम पे। तो 3:30 के टाइम पे ये पूरा खाली है, आप देख सकते हो। ऊपर से आज वीकडे है शायद, इसलिए होगा इतना खाली खाली। तो हम लोग सोच रहे हैं कि फिलहाल जाएंगे अंदर की ओर, थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। अगर हो पता किया है कि ये पार्क चालू है, हमने ट्रेसपास नहीं किया है। यस, एक्चुअली 2:30 से स्टार्ट होता है पार्क, तो मे बी उसके वजह से लोग अभी तक आए नहीं है या इवनिंग में आते होंगे। बहुत सारे स्टॉल्स आप देख पा रहे हो कि अभी तक सेटअप भी नहीं। यहाँ पे टैटू का एक स्टोर है, आप टेम्पररी टैटूज कर सकते हो फॉर 1 वीक। और पीछे शूटिंग बहुत कुछ है, बट अभी आई गेस सेटअप होएगा। अभी थोड़ी देर बाद होगा वो मे बी। ओके, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गो कार्टिंग के तरफ। और लिटरली ओके, पूल भी है यहाँ पे। सी, एंड साफ सफाई चालू है यहाँ पे। और यहाँ पे है वो, क्या कौन सा काटता रहे, ये बम्पर कार। बम्पर कार, सी, तो यहाँ पे बम्पर कार्स, ये भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, क्या पता क्या सीन है। मैं भी अभी अभी स्टार्ट होगा वो हो। और यहाँ पे ये भी है जंप। हाँ, वो है अपना ग्रेविटी जोन जो मैंने बताया था। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, जैसे कि जिप लाइन, मैं बोला ना ट्रैम्पोलिन पार्क ही रहेगा। यहाँ पे भी प्राइस बताया, मैं बताता हूँ आप लोग को कि लाइक सी प्राइस है। यहाँ पे जिप लाइन, स्लैम बॉल, निंजा कोर्स, स्पाइडर नेट, स्टिक वॉल, ड्रॉप डाउन, बैटल फील्ड, वॉल क्लाइंबिंग सब है। कुछ फ्राइडे टू सैटरडे संडे कुछ 30 मिनट्स का 500 होता है, 1 आवर का 750 होता है। मंडे टू थर्सडे में आता है 30 मिनट्स का 400 एंड 1 आवर का 600। आप देख सकते हो पॉज करके, सी पेन बॉल भी इसके अंदर ही है। यहाँ पर है चूज यर पे। ओके, यहाँ पे पेन बॉल है। एंड पेन बॉल का क्या पर्सन प्राइस बता रहे थे? 320 पर पर्सन। देयर विल बी 25 पेन बॉल्स फॉर 1 राउंड 15 मिनट्स। ओके, तो पेन बॉल का प्राइस यहाँ पे बताया है। सी, 320 पर पर्सन, 25 पेंट बॉल का। गैंगस्टर वाले में कुछ मर्सिनरी में है 510, गॉड लेवल में है कुछ 770 गॉड मोड। यही है उसके अलावा ग्रेविटी जोन। एंड यहाँ पे आप पानी वगैरह ले सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या, ये
बंजी जंपिंग। ये कैसा बंजी जंपिंग है, नाम के लिए बंजी जंपिंग दिया है। हाँ, और ये हिप्पो साइकिल सब बच्चों के लिए ठीक है यार। उसके अलावा सही, यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है। बिल्ली एंड हम आ गए हैं गो कार्ट वाले पार्ट पे। सी बड़ा पार्ट है यार, तो हम आ गए हैं लिटरली गो कार्ट वाले पार्ट पे। बड़ा है रे, गो कार्ट भी बड़ा है। क्या करना है शुरू कर पहले उधर खाली उल्टा, बाद में लोग आ जाएंगे मजा नहीं आएगा। ये भी है, बाकी सब जगह जैसे ग्रेविटी जोन या फिर पेन बॉल में लोग जाएंगे तो मजा आएगा, यहाँ पे खाली में मजा है। सीख देखिए तो इजी लग रहा है, क्या बोलता है वो लग रहा है गंदे वाले मशीन के इंजन। चलो लेट्स डू इट। तो गाइस हम लोग ने ले लिया है टिकट, और आप देख सकते हो यहाँ से आप बुक कर सकते हो टिकट। टिकट का प्राइस बताया यहाँ पे 5 लैप्स का कुछ 230 होता है, एंड 10 लैप्स का 350 होता है। तो हम लोग ने 10 लैप्स का लिया है, हमें कुछ मिला है ऐसा 10 लैप्स का टिकट। सी कुछ कार्ड मिला है हमको 10 लैप्स का, उसके बाद हम जाएंगे वहाँ पे। राइट ब्रो, और कुछ ट्यूजडे का दिन ऑफर होता है, 12 लैप्स का 400 होगा एंड 20 लैप्स का 650 है। देख सकते हो आप यहाँ पे प्लस वन कूल पर एक ऑफर है, और यहाँ पे एक दूसरा एक ऑफर है गो कार्टिंग का यहाँ पे। भाई हम लोगों ने टिकट तो ले लिया है, अभी हम जाएंगे गो कार्ट करने। टिकट सर बेसिकली फिजिकल कार्ड्स है जिसपे आपके नंबर ऑफ लैप्स लिखे हुए, जैसे इस पे 10 लैप्स लिखे हुए या मे बी 12 लैप्स वॉट एवर जो भी आप ले रहे हो उसके हिसाब से उस पर लिखे हुए। पूरा खाली है, अजीब सा एक सन्नाटा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा ही खाली है। सी देखा है तो बड़ा है, वैसे फिलहाल तो कोई नहीं है गो कार्ट का। सी अराउंड 4 से 5 काट है यहाँ पे, और ये इतना बड़ा सा इसका ट्रैक है। गाइस मेन बात ये कि मुझे इसका दोनों को ड्राइविंग नहीं आती। हम क्या सोच के आए पता नहीं। हाँ एक्चुअली हम दोनों को ड्राइविंग नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता, पता नहीं क्या करने वाले। हम टू व्हीलर की भी बात करें हमको ड्राइविंग नहीं आती, इलेक्ट्रिक चलाई हमने, गियर वाले सीन तो पता नहीं इसका क्या है। आई होप यार इजी होगा, लेट्स सी। फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, सिक्योर योर सेल फोन व्हाइल कार्टिंग। सी हमने दे दिया हमारा कार्ड यहाँ पे, कैसा होता है प्रोसीजर? हाँ किसे क्या करना है? पकड़िए कैब यूज करना है अपने को, मेरे को ये लगाना पड़ेगा ना कैम, बिना कैब को भी जा सकते हैं ना। हेलमेट का देखो आ रहा है तो उसने रखा क्या, सही है। समझ में नहीं आ रहा क्या सीन है यहाँ पे, एक यहाँ पे एक वहाँ पे एक है, देखो एक वहाँ पे है। वही ना फोन भी इधर ही रखता हो रे, नहीं हो रहा। जीन्स है ना, बैठू इस पे, जरा बता देना भाई कैसा है। मैं बैठ गया, अरे भाई साहब, अरे वाह सही है, मैं बैठ चुका हूँ दोस्तों, देख सकते हो वहाँ पे ये राइट वन एक्सेलरेटर। ओके स्टीयरिंग घुमाइए पूरा, घुमाइए घुमाइए। ओके mistake, I just wanna feel alive. It's just-
just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Drive a faster car, lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette. Oh, I'm in. यहाँ पे अटक गया रे, क्या करूँ? ये अपना बंद हुआ क्या? सही है, ऐसा क्या टाइमर लगाया क्या उस पे? हाँ। भाई पहले बार चलाया, मजा आ गया रे। क्या बोलता है आकाश भाई? ऐसा लगा ही नहीं पहले बार चला रहे अपन। बता रहा था क्या अभी? तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लोग जाने वाले हैं, तीन तीन लोग। तो ज़्यादा कुछ नहीं, सेफ्टी गियर के नाम पे हमें हेलमेट पहनना कंपलसरी है, एकदम मैंडेटरी है। उसके बाद जितना लैप्स है उतना लैप्स आप कवर कर सकते हो पूरा घूम फिर के, उतना ही है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी वाला पार्ट नहीं, कोई भी कर सकता है यहाँ पे। क्या बोलता आकाश? स्टीयरिंग थोड़ी स्टिप है और हमने नॉर्मल भी नहीं चलाई तो शायद। बस गुड थिंग है कि हम लोग ने कहीं पे ठोका नहीं, राइट? नहीं ठोका। तो गाइस हम लोग ने कर लिया है हमारा पूरा 10 लैप्स, बहुत जल्दी खत्म हो गया था, है ना रे? किसी दिन आएंगे 200-300 लैप मारने। हाँ एक्चुअली बहुत जल्दी खत्म हो गया, मैं तो बोलता हूँ ले रहे तो 10 से ज्यादा ही लेना। हाथ बैठने का कुछ टाइम वगैरह नहीं लगता है, मैं तो पहले बार आया हूँ, अच्छे से चलाया, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे ठोका हम लोग ने, कुछ ठोका वोका नहीं हम लोग ने, ऑन द स्पॉट हम लोग सीख भी गए। स्टीयरिंग बहुत अस्टिफ है, जब लिया ना बहुत शार्प टर्न्स ले रहा था, स्टार्टिंग में क्या कर रहा था पता है, ब्रेक और दोनों एक साथ दबा रहा था। हाँ, तो बहुत, तो मेरे को रुका के बोले कि ब्रेक छोड़, एक्सेलरेट के टाइम पे एक्सेलरेट कर, ब्रेक के टाइम पे ब्रेक दबा, फिर उसके बाद 2-3 राउंड अच्छे से गया मेरा। देख सकते हो पीछे जा रहा है, इवनिंग का टाइम हो चुका है, थोड़ा अंधेरा भी आ चुका है, राइट? एनीवेज तो अभी हम लोग बाकी वाले पार्ट भी देखते हैं कि क्या क्या हमें दिखता है फिलहाल चालू, वहां पे भी जाएंगे हम लोग। साथ साथ जा रहे लोग थे ना, डेली लाइक वीडियो में आ रहे हैं, चलो साथ साथ। ओ भाई भाई देखा तूने, वो देखा क्या तूने, क्या सही किया था देखा? इनका 3 लाख तो हम लोग ने रिकॉर्ड कर लिया। ओ जस्ट में एक नंबर, क्या फिट दे रहा है पब्लिक। नहीं भाई अपने को आता नहीं था, वो लोग ना जहाँ पे ठोकने आ रहे वहीं पे रख रहा है। That's it guys, यही होती है मजा यहाँ का। पागले वरने ये लोग वीडियो मांगने वाले। Let's go. तो गाइस हम लोग ने गो कार्टिंग तो कर लिया है, अभी हम जाएंगे कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए। लेट्स सी, यहाँ पे स्टोर भी है कोने का, चलो स्टोर में घुस के देखते हैं। चलो गाइस हम लोग इसके अंदर जाके देखेंगे। तो यहाँ पे भी आपको चीजें मिल जाएगी, एक्टिविटीज है यहाँ पे भी सी, जैसे कि हैमर एंड ओके, काफी सारे फनाटिक्स है यहाँ पे भी। ओके तो सॉफ्ट प्ले वाला एरिया ये बच्चों का आई गेस, एंड उसके अलावा यहाँ पे सिमुलेशन गेम्स है, राइट? ये आर्केड गेम्स भी है यहाँ पे सी। सो ओवरऑल
ऐसा भी कुछ है यहाँ पे कुछ ट्राई करना है क्या? नाइस। तो गाइस हम लोग ने अंदर आके कार्ड ले लिया है। ये कार्ड से आप कोई भी गेम खेल सकते हो यहाँ का। तो ये जितना भी गेम्स है प्लस कुछ एडिशनल गेम्स है आप वो भी खेल सकते हो ये वाले कार्ड से। तो ये कार्ड का कैसा होता है कि आपको रीन्यू कर सकते हो आप। फिलहाल हमने 500 पे करके लिया है, तो 500 पे किया तो 500 का बैलेंस मिलता है इसमें। और ये जो भी मशीन दिख रहा है ना, इस पर टैप करके आप वो गेम खेल सकते हो जब तक इसका वैल्यू 500 से ज़ीरो ना होता हो। ज़ीरो हो गया तो वापस आपको रीन्यू करना पड़ेगा, वही सिस्टम है। तो हम ट्राई करेंगे, कहाँ से ट्राई करना है आकाश? क्लो मशीन ट्राई करते हैं। क्लो मशीन में हम जाएंगे। बहुत बार देखा। फाइन फाइन, चलो। तो हम आए फिलहाल क्लो वाले मशीन पे। ये नहीं मिलेगा रे, बड़ा बड़ा है वो सॉफ्ट टॉय। कुछ भी नहीं मिलने वाला, डोंट एक्सपेक्ट। ओके फाइन, एनीवेज आर्केड मशीन का ट्रिक होता है, चलेगा ले। डू इट डू इट डू इट, मैं नहीं खेलने वाला है, पूरा तेरे को खेलना है। उल्टा उल्टा उल्टा, स्टार्ट हो गया स्टार्ट हो गया स्टार्ट हो गया, खेल खेल, घुमा घुमा घुमा। हाँ गया। बाय 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 बाय। अच्छा आगे पीछे में वो लाइन में तो चॉकलेट ही नहीं। तो ये कितना टाइप किया था अपन ने? वो लाइन में कुछ ही नहीं, 440 सेट। आकाश और ट्राई करना है उसी में, बोल बोल बोल। छोड़ भी सकते हैं, तू कर ले यार। हम लोग दूसरा गेम खेलने के लिए, आई डोंट नो इसको कैसा खेलते हैं, भाई को भी नहीं पता है कैसा खेलना है। बटन प्रेस करना है बस, यहाँ पे कुछ बटन दिख रहा है। स्टार्ट कौन सा बटन है? रख रख रख, सेंटर पे रख। हाँ हाँ, सेंटर पे आने दे। हाँ दबा दबा दबा, अरे दबा दबा, जोर से दबा। ये भाई गया गया गया। चल कोई बात नहीं, बहुत डिले इसमें। आर्केड गेम का यही सीन रहता है गाइस, इंडिया में तो खेलो मैं तो। गाइस हम लोग ने कार्ड बना लिया है एक्चुअली में, एक कार्ड है यहाँ से बनवाया था हम लोग ने। और दो तीन दो गेम्स खेला हम लोग ने उसमें से, कुछ 120 रुपीस का गेम्स खेला। और उसके बाद इसका कुछ ऐसा वैलिडिटी है कि बहुत सारी जगह पर चलता है, तो वहाँ पर हम लोग पूल खेलने जाएंगे, पूल भी है उस ऑप्शन में, तो हम लोग पूल भी करेंगे। तो क्या बोलते हैं आकाश, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आर्केड गेम में पैसा मत बर्बाद करो, लिटरली जुआ है, मशीन अपने आप चलती है। यस इट्स गैम्बलिंग राइट, इट्स गैम्बलिंग। सो बेटर है पूल बिल जैसे गेम्स खेलो, या फिर लैंड गेम्स भी है, लैंड गेम्स खेलो, बाइक रेसिंग खेलो, उसमें थोड़ा मजा रहेगा, एटलीस्ट आपको लगेगा कुछ किया आपने। राइट वरना हम तो उदास हैं। तो एक्चुअली हम लोग पेंट बॉल करने के लिए भी आए थे, तो यहाँ पे आके ऐसा पता चला कि मिनिमम 4 लोग होना चाहिए पेंट बॉल गेम खेलने के लिए, और हम लोग तो थे सिर्फ 2 लोग, तो हम लोग नहीं खेल पाएंगे। तो सोच रहा है जो भी कार्ड लिया है इसको यूज़ करके निकल जाते हैं यहाँ से कैसे भी। धीरे धीरे 5-6 बजते बजते सब स्टार्ट हो चुका है, सी धीरे धीरे क्राउड बढ़ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप एक बोटिंग कर सकते हो एक्वा बोट करके, ये भी आपने देखा होगा उनका वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में। तो ओवरऑल कुछ ऐसा जगह है, मैं तो वो सजेस्ट करूँगा आप वीकडेज पे मत आना, वीकडेज पे बहुत ज़्यादा ऐसा सन्नाटा है ना कि आपको मन भी नहीं करेगा कुछ करने का। तो हम लोग कंक्लूशन पे आते हैं। चलो आकाश बता दो भाई कैसा लगा आपको? सो पार्क छोटा सा है, बच्चों के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं, आप गो कार्टिंग कर सकते हो, नो डाउट गो कार्टिंग अगर बच्चों को ला रहे हो तो बच्चे आपके 4.8 फीट के ऊपर होने चाहिए, बाकी आपको हमने बाकी डिटेल दे दी है। गो कार्टिंग के अलावा यहाँ पर पेन बॉल अच्छा है, और बाउंस है, बाउंस ट्रैम्पोलिन पार्क है ग्रेविटी जोन करके, तो वो दोनों आप ट्राई कर सकते हो। पेंट बॉल का एक ही सीन है कि आपको 4+ पीपल चाहिए तो ही आप ट्राई कर पाओगे, वरना आपको एंट्री भी नहीं दे रहे। तो लेट्स सी, बस फिलहाल के लिए तो इतना ही, बाकी छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे राइड्स है। छोटे बच्चे लोग ला रहे हैं तो ऐसा कार्ड्स बनवा लेना, वरना आई डोंट थिंक आपको जरूरत पड़ेगी। अगर ले भी लिया है तो एक साल का वैलिडिटी होती है उसकी, तो आप एक साल में कभी भी आके कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली बार मिलेंगे, अंडरलाइन गुड बाय।